आपको, आप सुन लो इसकी आवाज़, तो कुछ ऐसी आवाज़ है इसकी, ये देखिए एक नंबर। तो ये उछल गया वहाँ पे फ़ोन पे बात करता हुआ। तो व्हाट इज अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे भाई बढ़िया होंगे। तो बाइक का रिव्यू करते रहते हो। बाइक का रिव्यू, हमारी बाइक का रिव्यू आ जाएगा, बढ़िया से आएगा। अभी कुछ काम पेंडिंग है, वो काम होने के बाद आ जाएगा। तो ये है वो चीज़ जो हम आपको दिखाएंगे आज, इंटरसेप्टर 650 cc वाली 650, जो आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम ध्यान से। तो ये वाली बाइक को हम मोस्ट मॉडिफाइड भी नहीं कहेंगे, मोस्ट लोडेड बाइक भी नहीं कहेंगे। तो आप सोच रहे होगे कि मैंने इस पे वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि ये है मोस्ट लाउडेस्ट बाइक। इसमें लगे हुए हैं एग्जॉस्ट जो बड़े ख़तरनाक हैं, और भाई ने लगवाई है बहुत कम्फर्टेबल सीट, वरना जो भी सीट स्टॉक नहीं है इसके, एग्जॉस्ट स्टॉक नहीं है इसके, इंजन गार्ड स्टॉक नहीं है इसका, वाइजर स्टॉक नहीं है। ये वाला जो स्विच है, इसकी वजह से लाइट ऑलवेज ऑन रहती है, तो इसलिए स्विच लगवा रखा है भाई ने। और इसके मिरर्स हैं अलग हैं, वाइज़र अलग है, वो बता दिया मैंने आपको। बाकी चारों इंडिकेटर चलते हैं, वो उसके लिए भी स्विच है यहाँ पे, वो भी ये स्विच है। बाकी सब कुछ नॉर्मल, बढ़िया, ऑसम है। तो अभी हम आपको इसकी सुनाएंगे, पहले तो आवाज़ आपको, आप सुन लो इसकी आवाज़। तो कुछ ऐसी आवाज़ है इसकी, ये देखिए एक नंबर। तो ये उछल गया वहाँ पे फ़ोन पे बात करता हुआ। अब मिलवा देते हैं आपको इस बाइक के ऑनर से, दिशु खन्ना, दिशु व्लॉग के नाम से, जो बंदा फेमस है ऑलरेडी। 60,000 सब्सक्राइबर ले रहे हैं ये भाई साहब हमारे यूट्यूब पे। तो बताओ भाई इस बाइक के बारे में, कैसे तो क्या क्या कराया है? मैंने ये बाइक दर्श ने ऑलरेडी कवर करा था जब ली थी। सो दिस इज अ रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 एंड 649 cc का इंजन है इसमें, ट्विन सिलेंडर बाइक है इसका। अगर मैं BHP की बात करूँ तो 47 BHP आती है स्टॉक बाइक में, बट मैंने इसकी BHP बढ़ा दी है 3 BHP एक्स्ट्रा, तो 50 BHP है। और अगर इसमें मैंने पावर ट्रॉनिक लगा दिया तो वो 53 BHP तक आराम से हो जाने वाली है। सो बाइक के अब मॉडिफिकेशंस की बात करी जाए तो मॉडिफिकेशंस मैंने काफ़ी करा रखा है, सच बताऊँ तो बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, बेसिक मॉडिफिकेशंस भी है, प्लान्स भी चल रहे हैं। देखो बजट की बात आ जाती है ना, वही कहानी आ जाती है कि बजट कैसे रखना है। सो बात करते हैं स्टार्टिंग से आगे की बाइक से। सो पहले बात करूँ तो ये हमारा आता है वाइज़र जो मैंने लगवाया था, ये हिमालयन टाइप वाइज़र है एक्चुअली, बट मैंने रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर में लगवाया, क्योंकि देखो हम जाते हैं संडे राइड्स पे। संडे राइड्स पे सीन क्या होता है, हमारी बाइक भगती है 160-170 आराम से, और उस चक्कर में आता है विंड ब्लास्ट। अगर मैं इसका लगवाया था इतना छोटा सा वाइज़र तो मेरी विंड ब्लास्ट से बैंड बजने वाली थी, और मैंने फर्स्ट राइड पे एक्सपीरियंस कर लिया था इस चीज़ को। बट फिर मैंने कहा यार ये वाला वाइजर लगवाता हूँ, थोड़ा अगर लीन होकर भी चलाऊंगा बाइक के ऊपर तो विंड ब्लास्ट नहीं आएगा, और इट एक्चुअली वर्क्स। अगर आप एक रॉयल एनफील्ड या फिर कॉन्टिनेंटल GT ओन करते हो, वाइजर जरूर लगवा लो, बहुत बेनिफिट देगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। सेकेंड चीज़ आ जाती है हैज़र्ड। हैज़र्ड अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आता हैज़र्ड होते क्या है। चारों इंडिकेटर्स जब एक साथ जलते हैं उसे हम बोलते हैं हैज़र्ड, और मैंने इसमें लगवाया हुआ सिमटेक का हैज़र्ड, जो मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट। एक चीज़ पहले ध्यान रखो, कोई भी बाइक हो ऑन करने के बाद 2 मिनट छोड़ दो ताकि उसका फ्यूल पंप प्रॉपर ऑन हो जाए, फिर ऑन करा करो। तो ऑन करी, ये हमारे ऑन हो गए हैज़र्ड, देख सकते हो दोनों इंडिकेटर्स एक साथ जल रहे हैं। क्या इसमें कम से कम 70-80 डिज़ाइंस हैं जो चेंज होते रहते हैं, उसके लिए भी बटन लगा हुआ है यहाँ पे नीचे जो हैज़र्ड के डिज़ाइन चेंज करता रहेगा। ये आप देख सकते हैं छोटू सा बटन है ना जो, अरे क्या बात है, ये चेंज करता रहता है। और इसके साथ मैंने इसका लगवा रखा है ऑन ऑफ स्विच, वो किल स्विच इसलिए लगवाया गया है कि देखो यार बैटरी तो पिएगा। सो अगर आपकी बाइक खड़ी खड़ी रह गई कहीं पे और आपका ये बटन ऑन रह गया तो बैंड बज जाएगी। ओके, ऑफ बटन करके छोड़ दो, नॉर्मल इंडिकेटर बन जाएंगे, ऑन करोगे आपके हैज़र्ड बन जाएगा प्रॉपर, चारों इंडिकेटर एक साथ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक रॉयल एनफील्ड ओनर सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है, आगे की लाइट ऑन रह जाती है, जो सबसे मेन कारण होता है बैटरी खत्म होने का। किसी भी बाइक की बैटरी डाउन हो जाएगी, एक हफ्ता आप नहीं चालू करोगे आपकी लाइट ऑन रहती है। तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से एक्सटर्नल स्विच लगवा लिया, क्योंकि मैं नाइट राइड बहुत कम ही अवॉइड करता हूँ। सो उसके लिए ये रहा हमारा स्विच, जो अगर लाइट ऑन करनी होगी तो स्विच ऑन कर दूंगा, okay. ऑफ करनी होगी ऑफ कर दूंगा। क्या बात है, ये बड़ा अच्छा काम करवाया, ये तो मैं अपनी बाइक में भी करवाऊंगा, मेरी भी लाइट ऑन रहती है सारी, वही प्रॉब्लम है। उसके बाद बात करते हैं मिरर्स की। देखो मिरर्स जब मैंने बाइक ली थी तो मिरर्स लगे नहीं हुए थे, बट आजकल आप लोगों को भी पता है डेली में चलान भी है। सेकेंडली अगर आप एक राइडर हो
तो आप मिरर जरूर लगवाओगे। ये चीज मैं आपको पहले मेंशन कर दूं क्योंकि मिरर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। आप 160-170 पे चल रहे हो, पीछे देखना एक बहुत जरूरी चीज होती है कि गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक तो नहीं आ रही ना, वरना आपका एक्सीडेंट होगा, आपको एक दुख होगा, यार मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला। मिरर आफ्टर मार्केट ले लिया था इस वजह से मैंने। अगली चीज की बात करते हैं, हमारी सीट। वेल दिस सीट इज फ्रॉम सहारा सीट्स। कुशनिंग और मतलब शेप दोनों ही अलग है। अब डिफरेंस क्या है देखो, नॉन एक जो स्टॉक सीट आती है ना हमारी इंटरसेप्टर 650 में, वो बहुत ही दुखाती है यार। मैं 200 किलोमीटर की राइड करता था, मेरे बम्स बहुत दर्द होते थे, ये मैं बहुत कंप्लेंट करता था। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे जाके, मेरी राइड्स का व्लॉग देख लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। लिटरली ये राइड पे खड़े होकर चला आ रहा होता था, वापसी के टाइम पे खड़ा हो रहा था, तो पूछो इसे भाई क्यों खड़ा थे, मतलब वो दर्द मैं ही जान सकता हूं। तो मैं क्या करूं यार, बैठे-बैठे हो जाता है काम खराब। सो अब इस सीट में इतना मुझे कंफर्ट मिल जाता है कि मैं 200-250 किलोमीटर तो बहुत आराम से कर रहा हूं। उसके बाद का मुझे पता नहीं। पीछे पहले मैंने इसकी बैकरेस्ट भी लगवा दिया था और पीछे जो टॉप बॉक्स रैक भी होता है वो भी लगवाया था, बट अभी हटा दिए क्योंकि बाइक की लुक, तो कहते हैं ना एक ओल्ड स्कूल टाइप बाइक है उसकी लुक हट जाती है। अगले मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो रॉयल एनफील्ड के एलॉयस। अरे वाह भाई वाह, ये मैंने कवर नहीं किया क्योंकि देखो बात ऐसी है, जो स्टॉक एलॉयस होते हैं वो होते हैं रिम वाले, वो वाले क्या कहते हैं यार उसे, मैं नाम भूल गया। अब जो स्टॉक एलॉय होते हैं उसमें आपको डालनी पड़ेगी एक तो ट्यूब, ट्यूबलेस टायर नहीं होते। और अगर आप राइड कर रहे हो यमुना एक्सप्रेस वे पे, वहाँ आपकी बाइक होगी पंचर और ट्यूब हुई उसके अंदर, तो साथी भी छोड़ जाते हैं फिर। साथी भी छोड़ जाएंगे। प्लस सबसे बड़ा रोना क्या है ना, ये बाइक इतनी हैवी है कि आप इसे हिला भी नहीं पाओगे। बिल्कुल बहुत हैवी है बाइक, नो डाउट। सो उस वजह से मैंने दोनों रिम्स चेंज कराए, मेरे टायर्स अभी ट्यूबलेस चल रहे हैं एंड अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी खुदा के बदौलत, तो बाकी आगे भी दिक्कत ना हो मुझे उम्मीद है। उससे अगले पे आते हैं अब हम। अगला हमारा आ जाता है एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हमारे लगे हुए हैं स्वैगमैन एग्जॉस्ट। मैंने बेंट पाइप चेंज नहीं करवाया, स्वैगमैन का एग्जॉस्ट है, ब्रांडिंग हो रखी है, थोड़ी सी बाइक गंदी हो रखी है क्योंकि देखो मिट्टी बहुत उड़ रही है आजकल, हवा बहुत तेज चल रही है इस चक्कर में। बट ये एग्जॉस्ट बहुत लाउड है, शॉर्ट एग्जॉस्ट है, स्वैगमैन के कोई भी एग्जॉस्ट ले लो बहुत लाउड है। और ये विदाउट डीबी किलर है, अभी इसके अंदर डीबी किलर लग सकता है, मैं हाथ नहीं लगा रहा एग्जॉस्ट पे क्योंकि बाइक अभी गर्म हो रखी है, वरना मैं आपको दिखाता जरूर। तो अब बात करते हैं आगे। आगे बात ये है कि बाइक बहुत हैवी है, बहुत हीट होती है जब आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो। बट हाँ ठीक है यार, अपनी एडवांटेज है, अपनी डिसएडवांटेज भी है। राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल है, बाइक चलने में बहुत स्मूथ है। अब एवरेज की बात कर ली जाए तो एवरेज भी अब मोटा माटी 17-18 की एवरेज दे देती है। बाकी 3.5 लाख रुपये में नॉट बैड ऑप्शन, आई कैन से बहुत अच्छा ऑप्शन है और लाउड भी है, कंफर्टेबल राइड भी हो रही है, सब चीजें तो यार इससे तो क्या चाहिए आप लोगों को, बहुत सही है। अब बात करिए कितना खर्चा कर दिया मैंने इस मॉडिफिकेशन में, समवेयर अराउंड मोटा माटी 50,000 तक, 50,000 कर दिया इस बाइक पे। क्योंकि देखो सीट, सीट की बात करी जाए ना 8-9 हज़ार रुपए तक तो सीट ही जाती है, क्योंकि सीट बहुत कंफर्टेबल है, डिजाइनर है। उसके बाद एग्जॉस्ट 10-12 हज़ार के तो एग्जॉस्ट चले जाते हैं, ठीक है। सेम कम्स विद एलॉय, 8-9-10 हज़ार के एलॉय जाते हैं। छोटी मोटी मॉडिफिकेशन मिला मिलू के, ये एक मोबाइल होल्डर भी लगवा रखे, ये मैंने बताया नहीं जो, सो छोटी मोटी चीजें लगा के 5-6 हज़ार और ले लो तो कम से कम 45,000-50,000 तक पहुंच जाती है यार। क्या बात है, 50,000 का मॉडिफिकेशन, उसके जितने की बाइक पड़ती है वो अलग। क्या बात है, मजेदार बाइक। तो अब इसकी एक बार आवाज खैचा मार के दिखा दो कैसी आवाज, वैसे सुना दी मैंने। ओके सीधा आप फ्लाई बाय देते हैं, नहीं फ्लाई बाय नहीं, पहले एक बार खड़ी में आवाज सुना दो बढ़िया से करके, खड़ी में आवाज सुनाए फिर फ्लाई बाय देंगे। भाई ये था इस बाइक का ओवरऑल व्यू सारा हिसाब, तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो ओवरव्यू और जो भी हिसाब मैंने इसके बारे में बताया, कुछ रह गया हो, वैसे तो कुछ रहा नहीं है, कुछ रह गया हो तो माफ़ करना। बाकी स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, और ये जो पीछे खड़ी है ये पल्सर, इसमें भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन होने वाले हैं अभी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने किसी फ्रेंड से शेयर भी कर लेना, किसी को पसंद हो इंटरसेप्टर। तो बाकी टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।